अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेरा भाई। आज हम लोग आए हैं ईशा जवाद के घर पर, आए हैं। उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी थी और ईशा जवाद के बारे में आप लोगों को बाद में बताती हूं। उसने माशाल्लाह अरेबिक में नाक पड़ी है, तो उसका इंटरव्यू करने के लिए हम लोग आए हैं। और यहां पर काफी टिकटॉकर्स और काफी मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो मेरे साथ आशा मौजूद है। आशा से थोड़ी बात करते हैं। आशा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं। आशा, टिकटॉक पे कितनी अब तक मतलब फेमस हो चुकी हैं आप? काफी हो चुकी है। कितना लोगों ने सपोर्ट किया? काफी लोग सपोर्ट करके, काफी लोग कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, जो है ना, बड़ी शरीफ और बोली सी लड़की है और लोग इसे फायदा उठा जाते हैं, ये मुझे मैंने सुनने में ये आया था। ऐसे ही है? हाँ जी। तो कैसा लगा आज यहाँ पर आकर इफ्तार पार्टी? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन लोगों ने सम्मान भी किया था, खाना पीना सब। चलो ठीक है, चले आप जा रही है? हाँ जी। चले जी, आशा जा रही है, अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। और यहाँ पर लाहौर का पावा अख्तर लावा भी आया हुआ है, छत पे है, उसे भी थोड़ी से बात कर लेते हैं। छत पे क्या सब लाते हैं, नीचे से बात करते हैं। आपको क्या नाम है? मेरा नदीम भाई। क्या करते हैं? मैं काके का मैनेजर हूँ, काका पाकिस्तानी। आपको 7 साल पहले इंटरव्यू आपने हमारा किया था। सबसे पहले मैं आपको नहीं बोला, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा मेरा का नंबर दिया, क्या दिया। मैंने सबसे पहले आपको, मेरा ने आपको सबसे पहले इंटरव्यू किया था, उसी से आपकी जाग लगी, आगे चलते चलते अब तो माशाल्लाह मॉर्निंग शो वगैरह किसने किया। हाँ, दुआएं देती हूँ मुझे। हाँ, तो मैंने इसलिए देता हूँ, इसको लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी खुशी थी कि यह ऊपर आए, जैसे ऊपर है इंशाल्लाह ऊपर आ गया, अल्लाह का बड़ा करम है। अब इसका टीवी में मॉर्निंग शो भी हो रहे हैं। मुंडा वायरल हो गया, वो इंडिया के स्टेटस देना शुरू कर दिए। हाँ जी, उसने उसको बोला यार तू पाकिस्तान में इतनी लड़कियां तेरे में मरती, मेरे पास इंडिया में मरती कोई नहीं। उसने अपने फॉलोअर से विनती की है कि इसको जैसे भी लाइक करें फॉलो करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। इसके उस किस्म दी है ना, और अभी वो जो उनकी फर्म है जिसमें वो गाने गा रहा है, उन्होंने इसको भी इनवाइट किया इंडिया में। जैसे कि बेटी हमारी, आप इससे अच्छे नसीब करें, आप सोचते भी ज्यादा हो इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू। मेरा कैमरा मैन जो है थोड़ा सा ये सबको दिखा दे कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है, सबको दिखा दो यहाँ पर कौन कौन है। मैं यहाँ पर आया था, इफ्तार पार्टी है और सब दोस्त मिले हैं, बड़े बड़े ऐसे चेहरे जो सोशल मीडिया पे सिर्फ देखते थे, उनको देखा, उनसे मिलने का मौका मिला और इंतहाई अफसोस हुआ। जब भी बोलना है उसने चवल ही मारनी है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, कागा रिपोर्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा कैसी हैं आप? क्या कहना है? जो हमारे दिल में हो, हमारे साथ हमारा बाइकर स्टंट गर्ल मौजूद है जो बाइक पे स्टंट करती हैं। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं आपको बस चला के दिखाऊंगी, आप बस कब चला रही? मैंने कब बोला था? आपने मुझे कहा था मैंने बस चलानी है और मैंने जो जितनी सवारियां बैठी होती हैं उनकी जिंदगी से खेलना है। किसी की जिंदगी से नहीं खेलना, लेकिन चलाऊंगी। हाँ, चलाऊंगी आने वाले टाइम में। अच्छा, आपका जो एंकरिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा जा रहा है? आपको बाइक चलाते तो हमने देखा है, आपको उसके बाद हमने एंकरिंग करना देखा है, एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? आपने कभी सोचा कि जिस लड़की का मैं इंटरव्यू करके जा रहा हूँ एक दिन ये भी एक अच्छी एंकर बन जाएगी? मैं कहता हूँ मुझे फख्र फील हो रहा है मैंने आपका इंटरव्यू किया। उर्दू पॉइंट से आए थे मेरा इंटरव्यू करने के लिए। उर्दू पॉइंट से मैंने गाना गाया था आपके पीछे बैठ के। हाँ, भाई कुत्ते कौन बैठूगी, हाँ ये वाला था। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है ये काम करके ना। अच्छा, पहले जब बाइक चलाती थी आप तो एक्सप्लोर करती थी पाकिस्तान के कोने कोने में गई हो, जब से एंकरिंग माइक पकड़ा उसके बाद तो मेरा ख्याल बाइक थोड़ी सी पीछे कर दी है। नहीं, पीछे की। हाँ। वो भी बीच में उसके लिए भी टाइम रखा हुआ है मैं, मतलब के हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद जब भी मुझे मतलब मौका मिलता है। हाँ। तो महीने में एक बार या दो महीने बाद मैं लाजमी कहने का जाती हूँ। बोल तो नहीं चलाने? नहीं, अब उससे ज्यादा अच्छा स्टंट कर सकती हूँ, आप दोबारा आए करके दिखाऊंगी। अच्छा, चैनल वालों ने कभी ये नहीं कहा हमारा बाइक के ऊपर माइक लेके निकलो? कभी कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ऐसे किया था। मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए बाइक के ऊपर लड़की माइक पकड़ा है, कहा से रेस दूसरे ऐसे माइक ऐसे किया हुआ मैंने। हाँ। स्टार्ट में किया था, उसके बाद फिर कम कर दिया। अच्छा, बाकी सुनाए सही आ रहा काम? बाकी सही की शादी मुबारक। मैंने आपको पूरे 45 मिनट आपको 45 मिनट मैंने देखा है, आपकी जो प्लेट है वो खाली नहीं हुई, इतनी भरने की क्या जरूरत थी? इतने से चावल थे, इतने से मैंने राइस खाए हैं और इसको मसला हो गया, इतना ज्यादा खा लिया। बोला क्यों मसला हुआ है? हम अभी तक मिले नहीं है। नहीं मिले, बता देते हम अंदर। नहीं, वो कह रहे थे इस लड़की की प्लेट खाली होनी है तो उसमें आपको देने हैं।
वो भी जाने के लिए गई है। मैं अब इनसे कहती हूँ कि काका रिपोर्टर को जो है ना वो राइज दिए जाए। जी ईशा जवाद हमारे साथ मौजूद है जिनके घर पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं अफ्तारी के लिए। और ईशा जवाद जो है ऐसे बहुत अच्छी नात पढ़ी है वो भी अरेबिक में। थोड़ा सा हम ईशा से बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी नात सुन लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। मुझे बताएं कैसे शौक हुआ ये नात पढ़ने का अरेबिक में? ये छोटे होते से शौक था मेरा, तो स्कूल वगैरह में पढ़नी थी, उसके बाद कॉलेज में तो सब ने अप्रिशिएट किया और कप्स वगैरह मिलते रहे, तो मैंने कहा फिर अब सोशल करते हैं। ईशा मुझे ना सुना दे जो आपने पढ़ी है अरेबिक में। يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سهما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज है। तो ईशा आगे क्या करने का प्लान है? इंशाल्लाह इसको भी आगे लेकर चलना है और साथ स्टडीज भी। क्या पैगाम देंगे लास्ट में? मैं पैगाम ये दूंगी कि अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप उसको सामने लेकर आएं और छुपा कर नहीं रखना चाहिए। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट के पेरेंट की सपोर्ट जरूरी होती है। सब पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रंस को सपोर्ट करें ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आ सके। चलो ठीक है। जिस घर में हम लोग मौजूद हैं, ईशा की सबसे छोटी बहन है, क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर क्या करती है? मैं कुंफू करती हूँ। कुंफू करती है, क्या बात है। कुंफू क्यों सीखती है? क्योंकि अगर कोई हमारे से लड़ाई करते तो मैं भी उसको मार पाऊँ। क्या बात है, किससे सीख रही है? मैं हमारे एक सर है वो हमें सिखाते हैं। स्टडी कर रही हैं आप कौन सी क्लास में? टू। टू क्लास में कुंग फू कैसे करते करना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 2 3 4। आपको पता है कि मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ? नहीं नहीं पता। लगता है मैं हूँ कि नहीं? लगता है। कैसे लग रहा है मैं हूँ? लग रहा है बस। लग रहा है। चले भाई मुकाबला हो जाए, मुकाबला करें। जी जी आप देख ले लेंगे। आप मारी ले ना। मैं मारू? मैं मारू तो आपको लग गया तो मारे तो आप। अरे सेल्फ डिफेंस भी आपने सीखा हुआ है? जी। कौन कौन सी टेक्निक सीखी है? एक ये वाली और एक पंच रोकने वाली और एक किक रोकने वाली। तो सीखी है मतलब पंच रोकने वाली किक रोकने वाली। तो ये कैसे ख्याल आया कि मैं कुंग फू सीखूं? क्योंकि मेरी आप ही करती है तो फिर मैंने भी शुरू कर लिया करना। और क्या क्या शौक है आपको? मुझे ब्यूटी पार्लर मतलब करने का शौक है। मेकअप करने का शौक है? छोटी सी हो मेकअप भी करती हो? जी। करना आता है? जी जी। मुझे अभी तक नहीं आता, देखो मेरा गंदा हो गया, मैंने किया हुआ था मेरा सारा मेकअप उतर गया। कैसे मतलब अगर मैंने सीखना हो तो क्या किस तरह सिखाएंगे आप मुझे? मेरी मम्मा ब्यूटी पार्लर की टीचर है, आप उनसे सीख सकते हैं। मैंने तो आपसे सीखना, मैंने नहीं मम्मा से। क्या आप मेरे से सीख लेना? पहले बेस लगाते हैं, उसके बाद वो एक पाउडर होता है वो लगाते हैं, उसके बाद आई शेडो लिपस्टिक और ब्लश लगाते हैं और आईब्रोज को ठीक करते हैं। चलें ये जो है मैं रिकॉर्ड ये लाजमी रिकॉर्ड करूँगी ताकि मुझे मेकअप करना जो है ना वो आ जाए। ठीक है ठीक है। तो क्या कहेगी छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप ये कुंग फू वगैरह के बारे में? क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी करें सब कुंग फू। आप बस अगर कोई आपसे लड़ाई करे तो आप बच भी सकते हैं। बच भी सकते हैं। चलें जी ठीक है, थैंक यू। हमारा पाए बैकर है जी, बहुत ही जबरदस्त एंकर है जी, बहुत अच्छे सवाल करती है, बैट भी बड़ी प्यारी, बैटा बड़ी प्यारियां चलाइया ने, तीन तीन लाख वाली है, पांच पांच लाख ने बैटा रखिया ने, बड़ा खुश रखे आंदियां ने सीपा ने घड़िया अस्तर लाने ने तू तक बना रहे मैं नहीं बोलगा मेरे दादा प्यार बोलगा और मैं करूं मेरे अल्लाह भी मैं ना पाला अल्लाह। Thank you.